लगता है सब जन होली कर रहे हैं। ड्राइवर लोग देखो तो ट्रक बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आज हाईवे को, देखो बहुत ही कम। भाई तो स्वागत करता हूँ फिर से नई वीडियो में आप सभी को, हैप्पी होली आप सभी को, भाई सभी मेरे सब्सक्राइबर को तो जोहार आप सभी को। तो भाई आज है होली का दूसरा दिन, यानी आज पूरे रंग से खेलते हैं पूरी होली, पूरे भारत में होली का दिन ये मतलब होली का त्यौहार मनाया जाता है और बहुत खुशी से अपना परिवार होली का दिन होली करता है। तो भाई आज होली का दूसरा दिन है, यानी कि आज कलर से खेलेंगे यार, मतलब कलरफुल हो जाएंगे सभी लोग। कल यार जो वो रहता है नाइट में शायद 12 बजे ऐसे कुछ जलाते हैं भाई, उसका कुछ इतना मुझे पता नहीं है लेकिन वो जलाते नाइट में था वो रात को। आज वो ख़त्म हो चुका है, आज रंग से होली खेलेंगे वो है भाई। तो आज सबके घर अपना आदिवासी वाली मैं भी हूँ भाई, तो लड्डू बनाते हैं कुछ रेसिपी, वो होली का रहता है वो बना के खाते हैं, तो वो दिखाता हूँ मैं, मेरे घर पे भी बना रहे अभी। तो ये है अपना कुछ घर यार गरीब का, चलो लड्डू देखते हैं भाई। घर पे तो यार लड्डू बनाना चालू है भाई, सबसे पहले लड्डू की रेसिपी जो कौन सी होती है और क्या कैसा कैसे प्रोसेसिंग रहेगा वो भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो हाँ यहाँ पे क्या किया है देखो, मैंने ये गुड़ लिया है, गुड़ को कटिंग किया है देखो, ये गुड़ और ये नारियल है और साथ में इलायची डाला है। ये सब एक चावल के आटे में पूरा मिक्स करके उसको चूल्हे पर रखेंगे पानी के ऊपर और उसको भाप से पकाएंगे, तो आपको वो बाद में दिखाता हूँ। ये देखो ये रेसिपी है उसका और बाद में होगा। देखो भाई लड्डू बनाने चालू हो गया है, देखो ऐसे लड्डू बना रहे हैं भाई। देखो ये आटा है जो पानी उबाला हमने, उसमें आटा डाल के थोड़ा गीला हो गया है गरम गरम, और ये तेल है ऑयल, उसमें थोड़ा इसको हाथ से बॉल की तरह बना देंगे गोल गोल। देखो इतने बना दिए हैं और भी बनेंगे, और भी बहुत ज़्यादा बना के उसको बाद में जैसे कि बोला उबालने के लिए रखेंगे भाप में, भाप हाँ पानी में डायरेक्टली नहीं, पानी के ऊपर कुछ ऐसा डब्बा रख के स्टील का, उसके ऊपर थाली रख के उसमें रख के बाद में भाप से पूरा अच्छे से पक जाएंगे, बाद में दिखा था आपको, अभी तो बनाएंगे। क्या हुआ कि लड्डू थोड़े बना के ज़्यादा अपने बर्तन में रहते नहीं, इसके लिए थोड़े ही बना के इसमें पहले ही रख दिए थोड़े इस इधर है देखो, ये दिख रहा होगा आपको, देखो थोड़े यहाँ पहले मतलब इतने इससे ज़्यादा थे थोड़े, तो बना के इसमें टब में डाले हैं, तो बाद में भाप से पक जाएंगे तो उतार दूंगा बाद में दिखाऊंगा, लेकिन ये बाद में डालना है। बाकी ये थोड़े इसका क्या टेस्ट है और कैसा लगेगा वो आपको मैं बताता हूँ, और ये तो शायद लग ही जाएगा, 20 मिनट तो लग ही जाएगा, 20 तो पकड़ लो भाई, चलो बाद में, चलो भाई बाद में दिखाता हूँ। अभी लड्डू पूरा रेडी होने के बाद ही आज क्या भाई होगा वो ही नहीं पता, मम्मी तो गई बाजार, क्योंकि बाजार मुझे बहुत कुछ सामान लेके आना पड़ता है, तो सामान नहीं लाया, कल काम पे गई थी और मैं घर पे था भाई, मेरे को पैसे नहीं दिया, मतलब मैं भी जा सकता था लेकिन पता नहीं था, मेरे को लगा मम्मी जाके आई बाजार में और सामान लेके आई, और पता चला तो काम पे गई थी और अभी गई, मैं नहीं जा सकता क्योंकि घर पे कोई नहीं है, भाई तो गया किधर और मैं इधर अभी लड्डू पकाने में लगा हूँ, तो नहीं जा सकता, नहीं तो मैं ही लेके जाता और आपको नज़ारा भी दिखाता कि आज बाजार में क्या है भाई, लेकिन जाने दो आने दो ओके, लड्डू पका भाई। तो अभी हो गए लड्डू, हाँ हो गया लड्डू, हो गया देख देख, रुक जा बाद में खा ले, योगे योखा हाँ दे दो, चल खा के बता कैसा है, पहले बोल मीठा है, बहुत अच्छा है, इलायची लगा है, हाँ नारियल, हाँ देखो इसको पता है बहुत अच्छा लग रहा है, तो देखो इधर ऑलरेडी निकाले इतने बहुत ज्यादा लग रहे, ऐसा लग रहे अभी तो खाने के लिए मतलब रहेगा नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा तो सब खाएंगे नहीं तो वैसे ही पड़ा रहता है भाई। और देखो इसमें और थोड़े से आवाज़ कैसे आ रहा है सुनाता हूँ आपको मैं, देखो देखा आवाज़ कैसे आ रहा है, पूरा उसमें ये आ रहा है ना, इतना पानी गर्म है कि
उसमें उबाल के ये हो रहा है ना, इसके गुड़गुड़ू आवाज आ रहा है, वो भी उतार के बाद में खाएंगे। इसका कुछ रीति रिवाज वो भी करेंगे, बाद में आपको बताता हूँ भाई। देखो यहाँ पे लड्डू पड़े हुए, मैं भी खाऊंगा शायद, लेकिन बाद में ही खाऊंगा, रे गिर गया। चलो बाद में ही खाता हूँ, रुको। क्या हुआ कि अभी अभी जा रहे हैं, फिर कल भी गए थे, आज भी अम्मा के घर उधर और बुआ के घर उधर भी जाएंगे हम, मतलब हमारे धाकली क्या बोलो उधर जा रहे हैं, मम्मी के लोग को, बीवी भी आ रही है साथ में, मम्मी को, मम्मी मतलब जाएगी मामा के उधर, हम जाएंगे बुआ के उधर जाएंगे। देखो लड्डू, लड्डू देखो थोड़ा थोड़ा मीठा है, ये बेटर है, ज़्यादा मीठा रहता नहीं यार, ज़्यादा खाने का मन नहीं करता ज़्यादा मीठा, लेकिन थोड़ा मीठा और इलायची वाला लग रहा है और नारियल वाला काफ़ी स्वादिष्ट है। देखा ऐसा बन जाता है, देखो पूरा टूट रहा है लेकिन चबा के खाना पड़ता है, बहुत अच्छा। तो अभी चलते हैं भाई, सबको हैप्पी होली, फिर आज दिल से बोल रहा हूँ सबको हैप्पी होली, सब जन आज तो लड्डू खाएंगे और कलर से खेलेंगे और क्या क्या करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन सबको हैप्पी होली भाई। One eternity later. So guys, तो घर से हम ना, मैं क्या बोला था भाई, उधर जाएंगे, लेकिन हम हमें और मैं ही दोनों जने आए यहाँ पे, और देखो अपना बंदा हाजिर है फिर से एक बार, अपना भाई। तो हाँ मैं क्या कह रहा था भाई, हाँ दो ही जना है, फिर जाएंगे बुआ के घर उधर से, बाद में जो वो बहन गई उसको ले के घर जाएंगे वापस से। प्लान कुछ और था और हुआ क्या भाई, अलग ही कुछ। तो जाने दो, अभी जो हुआ हुआ होने दो, आज की होली कुछ ऐसी ही गई ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी शाम भी बीतने वाली है, नॉर्मली हर साल तो ऐसे ही दिन जाते हैं भाई अपने, तो क्या बोलेगा कि नहीं। चलो भाई दिखाता हूँ इधर से, थोड़ा आपको नहीं जा रहा है कबीरगढ़ का, उस दिन भी आया खाया था नहीं थोड़ा अच्छे से, तो दिखाता हूँ। चलो कहाँ जा रहा है देखो भाई, सामने दिख रहा है गंभीरगढ़, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इस पे खजाना गाड़ के चले गए थे, अभी तो नहीं है भाई, लेकिन देखो महाराज जी का गंभीरगढ़ अभी भी बहुत खूबसूरत दिख रहा है बहुत दूर से। देखो फिर से एक बार स्वागत है, गेट खोला और बंद किया वही, चलो बंद करो, बंद हुआ, चल। देखो उस दिन नहीं दिखाया था, ले देखो इधर भी बहुत ज़्यादा है इस पर, खाता है खड़ा? ये भी खा रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है यार खाने में, चीज़ें अच्छी है ये। इसका नाम क्या कुछ अलग है, चित्रुल चित्रुल करके बोलते हैं। देखो यहाँ की बेल बाहर, अभी तो यार पूरा ये हो गया है ना, इसके लिए कुछ खाना नहीं मिलेगा इनको, तो इसके लिए देखो रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। ये अभी पूरा इस गर्मी के सीज़न में अपने जो बेल है इनको ही खाने के लिए पूरा रखा है भाई। उस दिन यही तो बैठे थे अपना काला रसगुल्ला खा रहे थे भाई। चलो भाई अभी बाद में बताता हूँ आपको मैं। तो एक काफ़ी देर रुकने के बाद हम फिर ट्विस्ट आ गए हैं, कहाँ ट्विस्ट आएगा यार, निकल जा रहे हैं घर के लिए। चल भाई बंद कर दे, ताला लगा दे गेट पे, चलो चले। देखो सामने दिख रहा है बहुत बड़ा पहाड़ सामने ही, वो भाई अभी ये ना बड़े बड़े जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, ये तो आम का है, देखो बहुत सारे आम के पेड़ हैं यहाँ पे। देखो ये अपना पनस का है, इमली का है, देखो बड़े बड़े यहाँ पे। तुमने बहुत पहले ना तो इतनी मिट्टी थी बहुत अच्छी थी, देखो अभी पूरा धुल गया है मिट्टी से, खड्डे खड्डे हो गए। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार मेरा पूरा बचपन यहीं पे गुजर रहा था, इसके लिए बोल रहा हूँ भाई। चलो भाई सो अभी चलो घर जाएंगे भाई, चल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ चल भाई बाद में फ़ोन करियो। एच को भाई तो सामने दिख रहा है गंभीरगढ़ और हम चले घर, चल बस पेट्रोल ऑयल के। चलो भाई स्वागत है भाई अपनी बुआ के घर,
मैं यहाँ मोड़ गाँव में, तो उदवा से हम अभी जस्ट आए। वहाँ से बहुत रास्ता तो अच्छा था, कॉन्क्रीट का बनाया था, लेकिन उसके आगे थोड़ा और अच्छा था डांबर वाला। उसके आगे से तो पूरा यहाँ से चारोटी से चारोटी ने नहीं धुंधलवाड़ी तक पूरा खराब है, खड्डे ही खड्डे भरे पड़े हुए पूरे। तो अभी यहाँ पे आए हम, देखो यहाँ पे कितने दो भाई खड़े हैं, देख सोए पड़े हुए हैं। देख भाई देख, इसका पैर गया है होली खेलने की वजह से, देख इसके लिए अभी लुढ़क गया है। और होली के चक्कर में तेरा प्यार क्या हो गया देख। और तू ना दे सानी भाई, मैं होली खेलने के लिए तो नहीं घर पे था यार, डायरेक्टली इधर आ गए। अभी यहाँ से निकलते थोड़ी देर में, यहाँ से अभी निकल लिए। अभी हमको लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट तो लग ही जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। अभी सीधे मैं तलाशरी पहुँचने के बाद ही आपको बताऊँगा। तो हम पहुंच गए तलाशरी मार्केट। शाम को कितना खाली खाली सा लग रहा है। अभी शाम के बज रहे शायद 6:30। पब्लिक तो कम ही है वैसे। अभी तो सब जन होली खेल रहे होंगे, दुकान बंद करके। देखो दुकान भी बहुत कम खुली है। लो लो आ गए हाईवे के इधर। अभी यहाँ से सीधे घर जाएंगे। मेरे को ना भाई इंजन में ऑयल दूसरा डालना है, क्योंकि इसमें पूरा ख़त्म हो गया। सुबह चेक करा ना तो थोड़ा भी ऑयल नहीं था, जितना के दिखाना चाहिए ना जो डंडी रहती है उसको थोड़ा भी नहीं लगा हुआ था। तो पूरा मेरे को नया ही डालना है, तो मैं लेके आया हूँ इसमें हूँ। और पेट्रोल से थोड़ा क्लीन भी करना है, तो जो जिधर हमारे वहाँ उधर था ना पंचर वाला, उसको बोला तो वो नहीं है एयर मारने वाला पाइप वैसा नहीं है, तो मैं जा रहा हूँ दूसरी जगह उधर ये कर लूँगा, ऑयल भी उधर चेंज कर लेता हूँ दूसरा वाला। तभी उधर ही जा रहा हूँ, वापस से जाना पड़ रहा है उधर ही। गाड़ी आ रही नहीं यार, जैसा कि मैं सुबह बोला था क्या गाड़ियाँ ही नहीं हाईवे पे है। जिधर जिधर देखो देखो होटल में रुकी है किधर, पूरे होली मनाने। चलो भाई जल्दी से चलते हैं, ऑयल चेंज करते हैं और एयर थोड़ा लगाते हैं। अभी मेरे को यहाँ पे पूछना पड़ेगा, सामने गैरेज है इधर, बताओगे कैसा ऐसा करना है, करके देगा तो अच्छा ही है। चलो पूछता हूँ इससे मैं भी। चलो भाई चलो, पहले तो इंजन का ऑयल निकालना पड़ेगा, बाद में देखूँ मैं तो। चलो भाई, तो जैसा कि आज प्लान क्या था और हुआ क्या भाई। प्लान था कि मैं जाने वाला था बीवी के लेके और मम्मी को लेके, तो मामा के घर भी जाना था और बुआ के घर भी जाना था, तो प्लान कुछ और ही हुआ। तो ज़्यादा कुछ वीडियो में बनाया नहीं भाई। तो सबको हैप्पी होली फिर से, शाम ख़त्म हुई और होली भी ख़त्म हुई, अभी चलो घर। तो वीडियो पे नए हो भाई तो सबसे पहले लाइक करो, चैनल पे भी नए हो तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी को भी दबाओ, नई नई वीडियो आते रहेगी, आपको मिलती रहेगी अपडेट भी। ओके बाय बाय, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।